एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर इलिमिनेशन। ओके, तो इसमें हमने अब तक क्या देखा है, जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनका एक्सक्रीशन हमने कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। उसके बाद हमने जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि प्लानारिया, अर्थवर्म, कॉकरोच, प्रॉन्स, इनमें क्या होता है, ओके, इनमें किडनीज नहीं होते। वर्टिब्रेट्स किडनी का मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज अ किडनी होना, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इन वर्टिब्रेट्स में किडनी की जगह कुछ दूसरा होता है, कुछ दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि प्लानारिया जो है उस प्लानारिया में प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स होते हैं, अर्थवर्म में नेफ्रिडिया होते हैं, कॉकरोच में मालपिजियन ट्यूबुल्स होते हैं, और प्रॉन्स में ग्रीन ग्लैंड या क्या उसे एंटीनल ग्लैंड कहा जाता है। यहां तक उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट किया था, जो कि दो किडनी से बना है, दो यूरेट्रस से बना है, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा से बना है। यूरेथ्रा का लेंथ फीमेल में 4 सेंटीमीटर होता है, मेल में 20 सेंटीमीटर होता है। इन मेल इट इज अ कॉमन यूरोजेनाइटल डक्ट। यहां तक हमने कंप्लीट किया। यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है उसे यूरेथ्रल मियाटिस कहते हैं। उसके बाद हमने किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट किया है। अब हम यहां से स्टार्ट करने वाले, ये जो पैराग्राफ है यहां से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो चलो, आवाज स्पष्ट आहे? कोणीतरी सांगा मला, ऑडिओ आणि व्हिडिओ ओके आहे? काही प्रॉब्लम? ओके, काही कमेंट मध्ये नाही दिसते? ओके, चलो समीर, थँक यू। तो भाई अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेफ्रॉन को। हम लोग ये मान के चलते हैं कि किडनीज आर दी ऑर्गन्स विच प्रोड्यूसेस द यूरिन, लेकिन किडनी के अंदर अगर झांको तो हमें वहां पे हर किडनी में तकरीबन 10 लाख ट्यूब्स मिलते हैं, माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स मिलते हैं 10 लाख। वो जो माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स है उनको कहा जाता है नेफ्रॉन्स। उनको क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन्स। और एक्चुअली नेफ्रॉन में यूरिन बनता है, और ऐसे हर किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, उनका कलेक्टिव यूरिन यानी किडनी का यूरिन। तो ये नेफ्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसका दूसरा नाम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी है। नेफ्रॉन को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। ओके, नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे आगे जाना है, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां पर कवर होने वाले हैं। सो नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? नेफ्रॉन, तो एक डायग्राम दिखा देता हूं यहां पे कि ये जो है स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये नेफ्रॉन है। ओके, ब्लूश कलर का, और उसके आसपास जो रेड कलर का दिख रहा है वो ब्लड वेसल्स है, जिसमें से ब्लड फ्लो होने वाला है। अब आप कहोगे कि ब्लड का क्या काम यहाँ पे? तो ब्लड का काम इसलिए है कि यूरिन जो बनता है वो एक्चुअली ब्लड से ही बनता है, यूरिन जो बनता है वो ब्लड से ही बनता है। सो दिस इज द नेफ्रॉन, दिस इज द क्या, ये क्या है? दिस आर द ब्लड वेसल्स। तो ये नेफ्रॉन जो है, से कितने नेफ्रॉन है? 10 लाख नेफ्रॉन है एक किडनी में। तो सवाल आपके, आपको अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, जो कि है एमसीक्यू, बहुत से बुक में वो एमसीक्यू एग्जिस्ट करता है, तो हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको 20 मिलियन मार्क करना है, या सॉरी 20 लाख मिलियन मार्क करना है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में दो किडनीज है, तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पर किडनी, 1 मिलियन यानी 10 लाख। अब नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर देखे तो ईच नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नेफ्रॉन में एनसीईआरटी के हिसाब से दो पार्ट है, एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है ग्लोमेरुलस, और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल आप लोगों ने 10th तक कुछ और पढ़ा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अलग है, बाकी चीजें वही है। कैसे तो देख लेते हैं किस तरह का होता है नेफ्रॉन। तो यहाँ पे देखो भाई, ये जो पीला जो भी आपको दिखाई देगा, ओके, येलो कलर में जो भी दिखाई देगा वो पूरा रीनल ट्यूब्यूल है यहाँ पे।
दिस इज द रीनल ट्यूबल, यहां से यहां तक पार्ट एक्सप्लेन करता हूं, एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ये है ग्लोमेरुलस। ये क्या है? ग्लोमेरुलस। यहां पर ये ग्लोमेरुलस है और ये जो येलो कलर का पूरा है ये रीनल ट्यूबुल है। अब रीनल ट्यूबुल में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको एक बार नाम दे देता हूं। ये पहला जो पार्ट है जो यहां तक है, ओके, यहां तक इस व्हाइट लाइन के ऊपर जो ऐसा कप शेप पार्ट है, इसे कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। बोमन वॉज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उस पर यह नाम दिया गया है बोमन्स कैप्सूल। उसके बाद ये जो ऐसा कॉइल कॉइल है इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, नाम समझाऊंगा, एक बार लिख लेता हूं। ये जो यू शेप्ड है, मतलब यहां से स्टार्ट होके यहां तक, इसे कहते हैं हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले। हेनले भी साइंटिस्ट का ही एक नाम का नाम है, तो हेनलेज लूप। और ये जो है इसे कहते हैं डीसीटी, यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, तो ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड और प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड नाम तो जरा मिलते जुलते लग रहे। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल को प्रॉक्सिमल क्यों कहा जाता है और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल को डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल क्यों कहा जाता है? तो पहले तो लास्ट की जो दो वर्ड सेम है उनका मतलब समझ लेंगे। कॉन्वोलेटेड मतलब कॉइल। देखो हिनलेस लुक मैंने ऐसे ड्रॉ करते समय स्ट्रेट ड्रॉ किया है, लेकिन पीसीटी और डीसीटी को ऐसा कॉइल 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 ड्रॉ किया है, तो कॉन्वोल्यूटेड यानी कॉइल्ड। कॉन्वोल्यूशन का अर्थ होता है कॉइलिंग, कॉन्वोल्यूशन का अर्थ काय होतो? कॉइलिंग। तर हे जे आहेत हे असे स्ट्रेट नाही है, हेनलेस लूप सारखे ते कॉइल्ड है म्हणून कॉन्वोल्यूटेड। ओके, ट्यूब्यूल क्या होता है? तो माइक्रोस्कोपिक ट्यूब को ट्यूब्यूल कहा जाता है। ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल इज अ वेरी स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक ट्यूब। सो दिस इज द कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज द कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब रहा सवाल प्रॉक्सिमल या डिस्टल का, तो किसी रेफरेंस पॉइंट के, रेफरेंस में जब आप चीजें डिस्क्राइब करते हो तो रेफरेंस पॉइंट के नजदीक जो है पार्ट उसे प्रॉक्सिमल कहा जाता है और जो पार्ट दूर है उसे डिस्टल कहा जाता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस माल्पिजन बॉडी, माल्पिजन बॉडी मतलब ग्लोमेरुलस और बोमस कैप्सूल, उस पर आऊंगा मैं। तो ये पॉइंट अगर रेफरेंस पॉइंट पकड़ते तो इसके नजदीक कौन है? तो ये हिस्सा है, ये हिस्सा जरा दूर है, तो दिस इज द प्रॉक्सिमल, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट या इसके नेफ्रॉन के स्टार्टिंग पॉइंट के नजदीक है, दैट्स व्हाई इट इज प्रॉक्सिमल। ये दूर है, दैट्स व्हाई इट इज डिस्टल। ये कॉइल्ड है इसलिए कॉन्वोल्यूटेड, ये भी कॉइल्ड है इसलिए कॉन्वोल्यूटेड, ये बहुत छोटी माइक्रोस्कोपिक ट्यूब है इसलिए ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कोणाचा तरी डाउट होता, काल बरेच जण मेसेज, सर लेक्चर आहे का, लेक्चर आहे का, लेक्चर का नाही आहे? मी अगोदरच सांगून गेलो होतो की 2 दिवस लेक्चर नसेल। माझ्या खूप जवळच्या मित्राचं लग्न होतं काल, तर त्या लग्नासाठी परवाच्या दिवशी, सॉरी नाही काल नाही, परवाच्या दिवशी, तर त्याच्यामुळे मी सांगून गेलो होतो तुम्हाला, तरी काल मेसेजवर मेसेज, सर लेक्चर, सर लेक्चर। आणि मग आता गेलोच म्हटलं तर तिथे एक जवळ एक जंगल होतं, खरोखरच जंगल होतं, तर तिथे गेलो होतो आम्ही फिरायला एक दिवस। म्हटलं आता चाललोच एवढं दूर तर येऊत फिरून, तर सर मेसेज, बरं काही जण, सर आम्हाला माहिती लेक्चर नाही आहे पण डीपीपी तरी आहे का? अरे बाबांनो, मागचे रिवाईज करा ना, सांगितलेल्या गोष्टी, म्हणजे एक दिवस सुट्टीचा जरी असला तरी त्या दिवशी मुद्दाम काही, तर मला 100% कॉन्फिडन्स आहे काही मुद्दाम मेसेज करत असतील की बाबा आपलं बरं नाहीये ना, आपल्याला अभ्यास करावा लागतोय ना, यांच्या पण सुट्ट्यांचा वाटोळा करायचं। मेसेजवर मेसेज, सर रिप्लाय नाही दिला, डीपीपी आहे का? तर ठीक आहे, आता आलोय, आज डीपीपी पण असेल आणि उद्या 360 मार्क्सचा पेपर पण असेल। ओके, मी आता ज्यांनी ज्यांनी मला मेसेज केले होते ना त्यांचे मार्क्स कमी जर आले ना तेच डिस्प्ले करणार मी, जे मला मेसेज करत होते मी सॉर्ट आउट करून ठेवलेले ते 15-16 जण, डीपीपी डीपीपी डीपीपी, त्यांचे मार्क्स मी शोधून शोधून एकट्या एकट्याच्या ग्रुपवर अपलोड करणार आहे। डीपीपी विचारताय, सो एक दिवस सुट्टी सहन नाही झाली तुमच्याकडनं माझी, कुठं फेडसाल हे पाप? हळाकळा, या हळाकळा लागत असतात बरं का, शेवटी मग एखाद दुसऱ्या मार्कांनी जर नंबर गेला तर ते हळाकळांचेच लक्षण असतात ते। सो पेपर डीपीपी, तर सचिन तू पण होता त्याच्यामध्ये, तू काय मेसेज करू लागला, तू होता वाटतं? सचिन होता की नव्हता? मी लिस्ट करून ठेवलेली, टाकणारच मी मार्क्स तुमच्या सगळ्यांच्या बेटांनो, जे जे नाटक करत होते ना काल। बरं, असं नव्हतं मी अकस्मात सांगितलं, मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं होतं, माझ्या डोक्यात एक हा पण विषय आला होता की रेकॉर्डेड लेक्चर टाकून जाऊत, पण म्हटलं मजा नाही येत रेकॉर्डेडला, जरा कसं थोडस याच्यात आता लाईव्ह मध्ये थोडा क्लासरूमचा फील येतो, थोडा येतो, पूर्ण नाही येत,
थोडा म्हणून म्हटलं आपण ते थोडंसं नकोच, एक दिवस लेट तर लेट. आणि उद्या लेक्चर आहे ना बाबांनो, संडेला मी कंपेन्सेट करण्यासाठी लेक्चर ठेवलं या संडेला. तर ते सर डीपीपी, सर लेक्चर, सर डीपीपी, तिथं टुनटुन टुनटुन तो मोबाईल. सो शिवांजे लागल्या हळाकळा सगळ्या आधीच. शिवांजे म्हणतो सर सगळ्या हळाकळा अगोदरच लागल्या, ते पण बरोबर आहे, हळाकळा लागल्या म्हणूनच बसावं लागतंय रिपीटला, अदरवाईज. ओके. आणि ऋतू होत असते म्हणतो, तू पण होता त्याच्यामध्ये, तू तुझा तर सर्वात अगोदर आला होता मेसेज. तर त्याच्यामुळे सुट्टी म्हटलं ना, एक दिवस गप बसू देत चाल रे, दिवसभर दिवसभर तेच असतं माझ्या मागे, तो मला वाटतं दिवसभर तेच असतं. डीपीपी हे बनवा, त्याच्यानंतर फ्लॅश कार्ड बनवा, त्याच्यानंतर लेक्चर, त्यानंतर दुसरं लेक्चर. तर त्यामुळे सुट्टी म्हटलं ना, तसं आता सुट्ट्या नाही आहेत, दिवाळीच्याच असतील थोड्याशा. तर चला आता कोणी हे नका म्हणू की मागच्या दिवाळी मागच्या नीट मध्ये आमचं दिवाळं निघालंय ना, आता काय दिवाळीच्या सुट्ट्या देतात तसं म्हणू नका. ओके, तसं ते वाक्य खरंच आहे, चुकीचं नाही आहे ते वाक्य, पण तरी असो एवढं कठोर सत्य बोलत नसतात. नाहीतर काय, कृष्णा बघ किती समजूतदारीचे वाक्य आहेत त्याचे. चला हो, आता नका कव्हर करू, मार्क्स तर मी टाकणार आहे, आता तुम्ही कव्हर करूच नका. त्याच्यामुळे परफॉर्म करा, एक संधी देतो, उद्याचे मार्क्स टाकतो, नीटचे 360 टाकतो, हे डीपीपीचे नाही टाकत, 360 मार्क्स अपलोड करू. सो बघा, हा जो आहे नेफ्रॉन, व्यवस्थित समजून घ्या. जसं म्हणजे फार सोप्या सोप्या गोष्टी, फक्त कॉन्सेप्ट आहेत बऱ्याच ठिकाणी. तो ग्लोमेरुलस ही सफेद पार्ट आहे, उसके नीचे येलो कलर का यहां तक जो पार्ट है वो रिनल ट्यूबुल है. रिनल ट्यूबुल की शुरुआत जिस हिस्से से होती है उसको बोमन्स कैप्सूल कहा जाता है. उसके बाद ये कॉइल्ड पीसीटी है, उसके नीचे ये जो यू शेप्ड है उसे हेनलेस लूप कहा जाता है, और ये जो लास्ट पार्ट है इसे डीसीटी कहा जाता है. पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, डीसीटी का है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल. कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कॉइल्ड, जी तो कॉइल सस्ता, ओके, स्ट्रेट नहीं होता है कॉइल. और ट्यूबुल यानी माइक्रोस्कोपिक ट्यूब, ट्यूबुल का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक ट्यूब. प्रॉक्सिमल यानी जो पहले है, डिस्टल यानी जो बाद में है. अब आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर हमने जब यूरिन फॉर्मेशन का फ्लो ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देखा था तब यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया था जो आज आपने पहले नहीं ड्रॉ किया. इसलिए नहीं किया कि वो एक नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, कई सारे नेफ्रॉन ज्वाइन होके ये ट्यूब बनाते हैं. जिस ट्यूब का नाम क्या है, इस ट्यूब का नाम है कलेक्टिंग डक्ट, जो एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है. बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी जिस एक कॉमन ट्यूब में, कॉमन डक्ट में ओपन होते हैं, उसे कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट. जो कलेक्ट करता है, क्या कलेक्ट करता है, यूरिन कलेक्ट करता है, किससे, अलग अलग नेफ्रॉन से. तो डीसीटीज ऑफ डिफरेंट नेफ्रॉन ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. यहां तक हमने पार्ट्स का इंट्रोडक्शन देखा है. अब हमें क्या देखना है, अब हमें एक एक पार्ट डिस्क्राइब करने हैं. तो ये जो ग्लोमेरुलस है, ये सफेद वाला हिस्सा, और ये जो बोमन्स कैप्सूल है, इन दोनों को, ये दोनों दोनों स्ट्रक्चरली, या भले ही अलग अलग हो, स्ट्रक्चरली भले ही वो अलग अलग हो, लेकिन फंक्शनली वो एक दूसरे पर डिपेंड है. मतलब ग्लोमेरुलस इस बोमस कैप्सूल के बिना काम नहीं कर सकता, और बोमस कैप्सूल ग्लोमेरुलस के काम बिना काम नहीं कर सकता. यानी कि भले ही स्ट्रक्चरली ग्लोमेरुलस और बोमस कैप्सूल अलग हो, लेकिन फंक्शनली दे आर इंटरलिंक्ड, इसलिए उन दोनों को कंबाइंडली एक साथ कहा जाता है. क्या कहा जाता है, द ग्लोमेरुलस प्लस बोमस कैप्सूल कलेक्टिवली उनको एक साथ कहा जाता है माल्पीजियन, माल्पीजियन बॉडी, माल्पीजियन बॉडी. और दो नाम है जिसमें से कुछ एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसी के और दो नाम है क्या, माल्पीजियन बॉडी, रीनल कार्पुस्कल, माल्पीजियन बॉडी या रीनल कार्पुस्कल, या फिर पिग्मेलियन कार्पुस्कल, पिग्मेलियन कार्पुस्कल. तो नाम समझ लो, माल्पीजियन बॉडी, रीनल कार्पुस्कल या पिग्मेलियन कार्पुस्कल, ये सारे के सारे नाम इस ग्लोमेरुलस और इस स्ट्रक्चर को कंबाइनली कहा जाता है, मतलब ग्लोमेरुलस प्लस बोमस कैप्सूल. अब हम सबसे पहले इस पार्ट को देखने वाले हैं, यानी कि सिर्फ इतने हिस्से को मैं पहले पढ़ाने वाला हूं जिसमें बहुत ढेर सारे एमसीक्यूज है, और
वो कई सारे उसमें से कई सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके पॉइंट्स है उसमें से कई सारे तो नीट में। ये देखो ये इतना हिस्सा मैं अभी पढ़ाने वाला हूं। ये क्या है, रेड कलर का ग्लोमेरुलस है और ये कौन है, बॉमस कैप्सूल है, और इन दोनों को कंबाइनली माल्पिजियन बॉडी या पिग्मेलियन कार्पस्कल कहा जाता है। या फिर इस डायग्राम में भी एक बार देख लेते हैं कि हम लोग सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ने वाले, इसके आगे वाला ये रेड कलर का ग्लोमेरुलस और इसके आसपास का ये बॉमस कैप्सूल। तर मी माझ्याच कला गुणांना वाव देतो आणि इथे चित्र काढतो अतिशय स्पष्ट। बघा आपण किडनी मध्ये बाहेरून जाऊयात आपलं, किंवा 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 आपण आता सुरुवातीपासून हार्ट पासून सुरू करू। बघा तुम्ही आता हार्ट पासून किडनी मध्ये आणि किडनी मधनं सार्वजनिक शौचालयापर्यंत कसे पोहोचतात ते दाखवतोय। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द हार्ट, लेकिन ये इनकम्प्लीट डायग्राम है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो चेंबर दिखाई दे रहे हैं। हमें चाहिए कितने, चार चेंबर्स, इसलिए दो बाण चाहिए। ओके ये बाणों के मतलब क्या है और ये चेंबर के मतलब क्या है, वो टॉपिक ही अलग है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अभी के लिए इतना समझ लो कि आपका दिल जो जोरों से अभी धड़क रहा है उसके अंदर वो कितने बीएचके का फ्लैट है, वो सिर्फ वो 2 बीएचके का फ्लैट है, हॉल किचन और 2 बेडरूम, 2 बीएचके का फ्लैट है, 4 रूम है उसमें। आप पर ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है, जिसको जिनको पता नहीं वो ज्यादा सोचो भी मत, ये मैं अलग से मतलब वो टॉपिक ही अलग है। तो यहां से ब्लड पंप करने के बाद एक बड़ा सा पाइप ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बॉडी की तरफ आता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट को, ये जो पाइप है जरा तिरकस डाले है, सरल काट दो। यहां से ये कौन है, दिस इज द aorta, वो एक पाइप होता है, वो कॉमन आर्टरी होती है जो पूरे बॉडी के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बाहर कंडक्ट करती है आणि मग आपल्या बॉडीच्या वेगळ्या वेगळ्या आर्टरीज ज्या आहेत त्या या aorta पासून निघालेल्या असतात, एकतर डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली। डायरेक्टली म्हणजे कसं, डायरेक्ट aortaची ब्रांच असते काही काही, ओके, डायरेक्ट aorta पासून, किंवा aortaची जी ब्रांच असते त्याची ब्रांच असते। तो हमारे बॉडी का हर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंडक्ट करने वाली जो आर्टरी है वो आर्टरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली aorta का ब्रांच है। ये aorta यहां से निकला, झुक 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 खाली चाललंय, वेगळे वेगळे जे जे पार्ट्स मिळतील त्याला ब्रांच देते, त्याला पाइपलाइन, जी कॉलनी लागली तिथे पाइपलाइन चालली म्युनिसिपालिटीची। ओके हा मोठा पाइप आहे, मग आता असंच खाली येत येत हा जो aorta आहे तो आपल्या डायफ्रामच्या खाली आला, म्हणजे छातीतून ऍब्डोमेन मध्ये आला की त्याच्या डाव्या बाजूला आणि उजव्या बाजूला 2 किडनीज आहेत। त्या किडनीज साठी या aorta पासून ज्याच्यात की कसं ब्लड आहे, ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे, त्याच्यासाठी राईट किडनीसाठी एक आणि लेफ्ट किडनीसाठी एक अशा 2 आर्टरीज निघतात। त्या आर्टरीजला म्हणतात रिनल आर्टरीज, काय म्हणतात त्यांना, रिनल आर्टरीज, ज्या काय घेऊन चालल्यात किडनीमध्ये, ऑक्सिजनेटेड ब्लड घेऊन चालल्यात, काय घेऊन चालल्या, ऑक्सिजनेटेड ब्लड। लेकिन 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 इस ऑक्सिजनेटेड ब्लड में बहुत सारा यूरिया भी है जो लिवर में बना था, मतलब लिवर से वो यूरिया हार्ट में गया, हार्ट से वो यूरिया aorta में आया और aorta से वो यूरिया यहां पर आया। यहां पर मैं वो एमसीक्यू कवर करने वाला हूं, कौन से हिपेटिक वेन में, बॉडी में कौन से ऐसी ब्लड वेसल है जिसमें सबसे ज्यादा यूरिया होता है, बॉडी में कौन सी ऐसी वेसल है जिसमें सबसे कम यूरिया होता है, वो एमसीक्यू आज कवर होंगे, वो घड़ी आज आ गई है। तो इंतजार खत्म हो चुका है, यहां पर कुछ लोगों के डाउट्स मुझे आए थे 2 दिन पहले, तो वो आज होगा आपका, आपको वो कॉन्सेप्ट्स आज पता चलेंगे आपको कि कौन सी ब्लड वेसल है जिसमें सबसे कम यूरिया होता है, कौन सी ब्लड वेसल है जिसमें सबसे ज्यादा यूरिया होता है। व्हाट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसका ऑक्सीजन निकाल के उसमें बॉडी के सेल से CO2 ऐड हो चुका है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सचिन अपनी भावनाओं को काबू में रखो। तो यहाँ पे तो मतलब ड्रॉइंग मध्ये पाब्लो पिकासोला मागे टाकलंय तुम्ही, ते तर फार मागे, फार अगोदरच मागे टाकलं होतं, ते आज काय सांगतो मला तू। सो तुझं चित्र काढू का, दाखवू जगाला तुझं चित्र काढू। तर बघा, सो
ये रीनल आर्टरीज किडनी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं और उनमें यूरिया भी है जो हमें ब्लड से निकालना है, यूरिया हमें निकालना है ब्लड से, ब्लड को हमें फिल्टर करना है। तो अब ये डायग्राम देख लो खाली, बाकी कुछ पढ़ना नहीं है डायग्राम में से क्योंकि आपको है भी नहीं सिलेबस में, मुझे सिर्फ इतना बोलना है। ये रीनल आर्टरी है, किसकी ब्रांच है वो आउटा की। ये रीनल आर्टरी अंदर आने के बाद क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है मेन आर्टरीज, ऐसे आर्टरीज से और आर्टरीज निकल रहे हैं और आर्टरीज निकल रहे हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे आर्टरीज यहां पर निकल रहे हैं। मतलब रीनल आर्टरी अंदर आने के बाद, रीनल आर्टरी अंदर आने के बाद डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है और उससे छोटे छोटे आर्टरीज निकलते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं, और वो जो ब्रांचेस है मतलब हम नेफ्रॉन तक अभी पहुंचे नहीं। देखो ये किडनी है और ये आपका ऑर्टा है, इसमें से ये रीनल आर्टरी अंदर आया है, रीनल आर्टरी अंदर आने के बाद इस रीनल आर्टरी से कोई आर्टरी निकल रहा है, उससे कोई छोटा आर्टरी निकल रहा है, और फाइनली सबसे छोटे आर्टरी जो निकलते हैं यहां से, जो एक्चुअली हर एक नेफ्रॉन में जाते हैं ऐसे ब्रांचेस से ब्रांचेस, ब्रांचेस से ब्रांचेस, और उसमें सबसे छोटे जो आर्टरीज निकल रहे हैं, सबसे छोटे नहीं कह सकते इससे एक और छोटा होता है, इससे एक और छोटा होता है। तो ये जो फाइन ब्रांचेस निकल रहे हैं, ये जो छोटे ब्रांचेस निकल रहे हैं जो कि नेफ्रॉन के कहा जा रहे हैं, ये कौन सा कैप्सूल है, दिस इज द बॉमस कैप्सूल। तो बॉमस कैप्सूल में ब्लड लेकर आने वाली ये जो आर्टरी है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे निकली, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से ब्रांच, उससे ब्रांच, ऐसा करते करते ये जो छोटे आर्टरी जो नेफ्रॉन में एंटर कर रहे हैं, इस आर्टरी को कहा जाता है एफरेंट आर्टेरियोल। क्या कहा जाता है, एफरेंट आर्टेरियोल। तो एफरेंट आर्टेरियोल इज अ इनडायरेक्ट ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, और रीनल आर्टरी का ही एक ब्रांच है। अब आप बोलोगे कैसे, तो वैसे आप बोल नहीं सकते, कमेंट में पोस्ट कर सकते हो, बोल तो नहीं सकते यहाँ पे। तो चलो भाई हम फिर से नेफ्रॉन पर बढ़ते हैं। यस देखो ये एफरेंट आर्टेरियोल जो आ रहा है वो किसकी ब्रांच है, वो है रीनल आर्टरी की इनडायरेक्ट ब्रांच। और ऐसे कितने एफरेंट आर्टेरियल होंगे, जितने नेफ्रॉन उतने एफरेंट आर्टेरियल होंगे। तो नेफ्रॉन कितने हैं, तकरीबन 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन है, 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन है। तो ये 1 मिलियन ऐसे ब्रांचेस होते हैं एफरेंट आर्टेरियल जो नेफ्रॉन के लिए ब्लड लेके आते हो, एफरेंट आर्टेरियल नेफ्रॉन की तरफ ब्लड लेके आता है, और ब्लड लेके आने के बाद ये एफरेंट आर्टेरियल हो जाता है डिवाइड एंड रीडिवाइड बॉमस कैप्सूल के अंदर आने के बाद। ये येलो येलो डर्टी फेलो बॉमस कैप्सूल है, ओके। उसके बाद उसमें जो एफरेंट आर्टेरियल आया वो ये है, और यहां पर आने के बाद उससे कई सारे ऐसे ब्रांचेस 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 निकले जो कौन है, जो कैपिलरीज है, किसके कैपिलरीज है, इस बॉमस कैप्सूल के अंदर इस एफरेंट आर्टेरियल से निकले हुए कैपिलरीज है, या कैपिलरीज ला खूप छिद्र असतात, मग इथून आलेलं जे ब्लड है ते या कॅपिलरीज मध्ये येतं, या ज्या कॅपिलरीज आहेत या कॅपिलरीजच्या नेटवर्कला म्हणतात ग्लोमेरुलस। म्हणजे ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और वो कैपिलरीज किसने फॉर्म किए हैं, इस एफरेंट आर्टेरियल ने फॉर्म किए हैं। अब दूसरा पॉइंट, ये ग्लोमेरुलस के कैपिलरी ज्वाइन होते हैं, ग्लोमेरुलस के कैपिलरी ज्वाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज रीज्वाइन होकर, देखो यहां पर ये कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज फिर से रीज्वाइन होकर एक और आर्टेरियल फॉर्म करते हैं जो ल्यूमेन में थोड़ा छोटा होता है, इसका नाम हमने दिया था एफरेंट आर्टेरियल। ये आ रहा था ब्लड लेके, ये यहां से ब्लड लेके बाहर जाएगा, जिसका नाम है इफ्रंट आर्टेरियोल। पॉइंट छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट छोटा है, जस्ट अ मोमेंट, और काय लागलं, कुठे काय लागलं, सो डिफरेंस बिटवीन विनोद अंबेकर, ये डाउट आपका बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन में कवर होगा, क्या है उसमें डिफरेंस। तो देन बर बघा इकडे काहीतरी सजेशन्स,
एफरेंट आर्टेरियल आ गया, ये कैपिलरीज है, ये ग्लोमेरुलस इसे कहते हैं, इन कैपिलरीज के नेटवर्क को, और ये इफरेंट आर्टेरियल एक छोटा पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जो ल्यूमेन है एफरेंट आर्टेरियल का, द ल्यूमेन ऑफ एफरेंट आर्टेरियल इज वाइडर, ये वाइडर है किसके ल्यूमेन से, इफरेंट आर्टेरियल के। इफरेंट आर्टेरियल नैरो है कंपैरेटिवली एफरेंट आर्टेरियल से। अब आने वाला ब्लड लेकर आने वाला पाइप बड़ा है और लेकर जाने वाला छोटा है, मतलब जो 1 मिनट में जितना ब्लड आएगा उससे कम ही ब्लड यहां पर जा पाएगा। ठीक से समझ लो, ही पाण्याची टाकी है, एवढा मोठा पाइप पाणी घेऊन इथे येतोय आणि एक छोटीशी नळी बाहेर चालली पाणी घेऊन, तर अर्थातच 1 मिनिटात येणारा पाणी जाणाऱ्या पाण्यापेक्षा काय होईल, जास्त असेल। मग 1 मिनिटानंतर इथं काहीतरी प्रमाणात पाणी साचेल, कारण येणारा पाईप घेऊन येणारा पाईप वाइडर आहे जाणाऱ्या पाईप पेक्षा। एफरंट आर्टेरियल इज वाइडर दॅन द इफरंट आर्टेरियल, सो सम अमाउंट ऑफ ब्लड ऑलवेज अक्युमुलेट्स हियर, हियर मतलब हियर, हियर यानी कि इस ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में, इस पोर्शन में, इस हिस्से में कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड हमेशा एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि आने वाला ब्लड जाने वाले ब्लड से ज्यादा है, और जो ब्लड यहां पर एक्यूमुलेट होगा वो ब्लड नीचे फिल्टर होके उसी से यूरिन बनेगा। कैसे, तो यूरिन फॉर्मेशन आगे है, अभी के लिए पॉइंट नोट करना है कि द रॉ मटेरियल फॉर द यूरिन फॉर्मेशन इज ब्लड, ब्लड यूरिन इज द प्रोडक्ट ऑफ ब्लड, ब्लड से ही यूरिन बनता है। तो ये एफरेंट आर्टेरियल आया, उसने ब्रांचेस दिए, और उन ब्रांचेस का जो नेटवर्क बना है उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। एफरेंट आर्टेरियल इफरेंट आर्टेरियल से वाइड है। अब ग्लोमेरुलस में ये कैसा है, शेप कैसा है बोमन्स कैप्सूल का, तो बोमन्स कैप्सूल इज कप शेप, बोमन्स कैप्सूल इज कप शेप। तो यहां पे ये कप शेप बोमन्स कैप्सूल जो है, बोमन्स कैप्सूल, तो इसमें कितने लेयर दिख रहे हैं आपको, कितने लेयर दिख रहे हैं, दो लेयर दिख रहे हैं। अंदर का जो लेयर है उसे कहते हैं विसरल लेयर, अंदर का जो लेयर है उसे कहते हैं विसरल लेयर ऑफ बोमस कैप्सूल, बाहर का जो लेयर है उसे कहते हैं पराइटल लेयर ऑफ बोमस कैप्सूल, विसरल लेयर ऑफ बोमस कैप्सूल एंड पराइटल लेयर ऑफ बोमस कैप्सूल। और इन दो लेयर्स के बीच में जो स्पेस है, ये जो जगह है, इस स्पेस को कहते हैं, किसका स्पेस है वो, बोमस कैप्सूल का स्पेस है, इसलिए उसे कहेंगे कैप्सुलर, क्योंकि कैप्सूल का स्पेस है, कैप्सुलर स्पेस। और जब सबसे पहले जो प्राइमरी यूरिन बनता है, या जो ब्लड से फिल्टर हुआ जो हिस्सा यहां पर आता है यूरिन के लिए, जो सबसे पहली स्टेज कंप्लीट होती है, वो फिल्ट्रेट, वो फ्लूड यहां पे आता है, इसलिए इसका दूसरा नाम यूरिनरी स्पेस भी है। बॉमन्स कैप्सूल का है इसलिए कैप्सुलर स्पेस, प्राइमरी यूरिन जो मतलब यूरिन का, यूरिन फॉर्मेशन के लिए जहां से शुरुआत होती है वो पहला हिस्सा, वो फ्लूड यहां पर आता है, इसलिए उसे यूरिनरी स्पेस या कैप्सुलर स्पेस कहते हैं। अंदर वाला जो है वो विसरल लेयर है, बाहर वाला पैरेटल लेयर है। अब बात करेंगे इसके अंदर सेल्स कौन से हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाइयों नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का पहला हिस्सा जो मैंने शुरू किया है वो है ग्लोमेरुलस और बोमस कैप्सूल। किडनी के अंदर आने वाली ब्लड वेसल को रीनल आर्टरी कहते हैं, रीनल आर्टरी से निकलने वाली ये ब्रांच है एफरेंट आर्टेरियल, वो यहां पर बहुत सारे कैपिलरीज का यानी ऐसे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क देती है, और ये ब्लड वेसल्स ज्वाइन होकर इफ्रंट आर्टेरियल बनाते हैं। एफ्रंट आर्टेरियल जैसे कि दिख रहा है वाइड है, इफ्रंट आर्टेरियल नैरो है, और ये कैपिलरीज है जिनमें कई सारे छेद होते हैं, और उन छेदों में से, उन पोर्स में से ब्लड नीचे फिल्टर होता है जिससे यूरिन बनता है। और यहां पर जो बोमन्स कैप्सूल है उसका अंदर वाला जो लेयर है उसे कहते हैं क्या, विसरल लेयर, और ये जो बाहर वाला मैं अलग कलर में ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, दिस इज द पराइटल लेयर, ये बाहर वाला पराइटल लेयर है, अंदर वाला विसरल लेयर है, और ये जो स्पेस है इसे कहते हैं कैप्सुलर और यूरिनरी स्पेस। अब हम बात करेंगे सेल्स की। अगर आप पराइटल लेयर की बात करेंगे तो पूरा का पूरा पराइटल लेयर स्क्वैमस इपिथिलियम से लाइन है, पूरा का पूरा पराइटल लेयर इज लाइन बाय स्क्वैमस इपिथेलियम, ये स्क्वैमस इपिथेलियम से लाइन है। जो विसरल लेयर है अंदर, वहां पर हमें दो टाइप के सेल्स मिलते हैं, दोनों इपिथेलियल सेल है लेकिन अलग टाइप के है, मतलब थोड़ा सा हिस्सा जो है वो थोड़ा सा हिस्सा इसी से लाइन है, किससे, स्क्वैमस इपिथेलियम से, मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ दिस विसरल लेयर इज लाइन बाय स्क्वैमस इपिथेलियम, जो कि आपके लिए अब नई बात नहीं है, मतलब ये पूरा लेयर बाहर वाला और अंदर वाला थोड़ा सा स्क्वैमस इपिथिलियम से लाइन है। लेकिन
एक ऐसा सेल है जो सिर्फ और सिर्फ विसरल लेयर के इनर इंटरनल लेयर में ही, सॉरी बोमस कैप्सूल के विसरल लेयर में मिलता है। मतलब एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा सेल है जो सिर्फ और सिर्फ बोमस कैप्सूल के विसरल लेयर में मिलता है, और जो दिखने में भी जरा यूनिक है, जरा अलग है, ये कुछ इस तरह का। इनको यहां पर ये जो दिख रहे हैं, इन सेल्स को कहा जाता है पोडोसाइट्स। क्या कहा जाता है? पोडोसाइट्स। पोडो का मतलब होता है फुट, साइट ये वर्ड सेल के लिए होता है, काइटोस से लिया गया वर्ड है साइट, तो साइट ये वर्ड काइटोस से डिराइव होता है, जिसका मतलब होता है सेल, और पोडो का मतलब होता है फिट। तो ये सेल जो है, इसको अगर मैं मैग्निफाई करके बाहर ले लूं इस ग्रीन कलर के सेल को, तो ये ऐसे 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 दिखेगा। ये जो है ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन आप देख सकते हो यहां पर कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ऐसा इसमें प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं, फुट लाइक प्रोजेक्शन है। तो ऐसे फुट लाइक प्रोजेक्शन जिन सेल्स में होते हैं उनको पोडोसाइट्स कहा जाता है, उनको कहा जाता है पोडोसाइट। नाउ देयर इज अ लाइन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट द पोडोसाइट्स आर सो इंट्रिंसिकली अरेंज्ड, पोडोसाइट्स आर सो इंट्रिंसिकली अरेंज्ड टू फॉर्म स्मॉल स्पेसेस और गैप्स इन बिटवीन देम, एंड दिस गैप्स और स्पेसेस आर कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन स्लिट्स। पोडोसाइट्स के बीच में यहां पे ऐसे स्लिट्स लाइक या गैप्स होते हैं जिससे ये फिल्टर हुआ ब्लड नीचे आ पाता है। इन ओपनिंग्स को कहा जाता है फिल्ट्रेशन स्लिट्स। फिल्ट्रेशन स्लिट्स हे ते छिद्रे पोरांनो ज्याच्यामधून इथलं ब्लड खाली येतं। ओके, अब यहां पर एक और क्वेश्चन कवर कर देता हूं, कि यहां पर क्वेश्चन ये कवर होता है कि ब्लड जब आपके बोमस कैप सॉरी ग्लोमेरुलस से इस स्पेस तक फिल्टर होगा तो कितने लेयर पास करता है। तो दो तो आपको यहां पर दिख रहे हैं, एक जो दिख नहीं रहा वो बताना जरूरी है। एक ये जो लेयर है किसका? कैपिलरी के वॉल का। ब्लड यहां पर है ना, तो इस वॉल को क्रॉस करेगा जो कि बनता है सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से, एंडोथेलियम से बना है। तो कैपिलरीज को, कैपिलरी का एंडोथेलियम एक हो गया, एंडोथेलियम। उसके बाद दूसरा ये कौन है? ये पोडोसाइट्स है, तो दूसरा पोडोसाइट्स को भी को क्रॉस करता है, पोडोसाइट के लेयर को। लेकिन इन दोनों के बीच में यहां पे क्या होता है? यहां पे होता है बोमस कैप्सूल, मतलब सॉरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन एंडोथेलियम के नीचे और पोडोसाइट के ऊपर, इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जिस पर ये सिचुएटेड है। तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी वो क्रॉस करते हैं, तो फिल्ट्रेशन लेयर इज फॉर्म बाय, ब्लड कितनी लेयर से फिल्टर होगा? तो एक एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज, ब्लड के कैपिलरीज का एंडोथेलियम। दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, रट लो ये क्वेश्चन, एमसीक्यू है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड थर्ड इज क्या है? पोडोसाइट्स। इतने तीन लेयर्स का बैरियर है, या इतने तीन लेयर्स का फिल्ट्रेशन है, लेयर है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है जो इसे क्रॉस कर, ब्लड को क्रॉस करना होता है यहां तक फिल्टर होने के लिए। इसी के साथ कंप्लीट होता है क्या? तो मालपीजियन बॉडी। एक बार पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं। देखो अब आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। किडनी के अंदर कौन आया? किडनी के अंदर आया कौन? तो किडनी के अंदर आया रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से अलग अलग ब्रांचेस निकलते हैं, उन ब्रांचेस से छोटे ब्रांचेस, ऐसा करते करते हर किडनी में तकरीबन 1 मिलियन कौन निकल रहे हैं? एफरेंट आर्टेरियल। वो नेफ्रॉन में आपके क्या दे रहा है? कैपिलरीज का नेटवर्क। इस कैपिलरी के नेटवर्क को क्या कहोगे? ग्लोमेरुलस। ये क्या बन गया? ग्लोमेरुलस। ये कैपिलरी ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? इफ्रंट आर्टेरियल बनाते हैं। इफ्रंट आर्टेरियल का क्या होता है आगे वो बताऊंगा। उसके बाद ये जो लेयर है ये कौन सा? विसरल। उसके बाहर ये कौन सा है? पराइटल। ओके, पराइटल। इसी को बाहर ले लेता हूं ताकि बड़ा दिखे सब कुछ। तो एफरेंट आर्टेरियल वाइड है, ये ग्लोमेरुलस है जो नेटवर्क है कैपिलरीज का, ये इफरेंट आर्टेरियल है, ये विसरल लेयर है, ये पराइटल लेयर है। पराइटल लेयर में कौन सा इपिथिलियम मिलेगा आपको? स्क्वैमस इपिथिलियम मिलेगा। कौन सा? स्क्वैमस। इसमें स्क्वैमस इपिथिलियम है क्या? है, लेकिन बहुत छोटे हिस्से में विसरल लेयर के। और उसके बाद यहां पर कौन है? ये फुट वाले कौन है? पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स यहां पर क्या होते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स। और ये जो कैपिलरीज है इनमें ओपनिंग्स होते हैं जिससे ब्लड नीचे आता है। लेकिन हमें तो यार दो चीजें दिख रही है, लेकिन एक्चुअली कितनी है वहां पर? तीन चीजें हैं।
एक यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, उसको भी क्रॉस करना होता है। तो ब्लड जब फिल्टर होगा तो कैपिलरीज का ये जो वॉल है जिससे जो एंडोथेलियल सेल से बनता है उसमें से जाएगा मेम्ब्रेन देगा और पोडोसाइट से, ऐसे तीन लेयर्स उसको क्रॉस करने होते हैं तब जाके वो इस कैप्सुलर स्पेस या यूरिनरी स्पेस से स्पेस तक पहुंच पाता है। ओके अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हमें अगला पार्ट पढ़ना है पीसीटी। तो हमने देखो क्या किया, ये ग्लोमेरुलस, ओके ये बॉमर्स कैप्सूल जो के शुरुआत है रिनल ट्यूबुल की। बॉमर्स कैप्सूल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। देन यहां से आ रहा है कौन, ये आ रहा है प्रॉक्सिमल कॉनोलेटेड ट्यूबुल। ओके उसके बाद कौन क्या पढ़ेंगे हम, हिनलेज लूप, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टल कॉनोलेटेड ट्यूबुल जो ओपन होता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में बाकी नेफ्रॉन के डीसीटी के साथ। ये जो पीसीटी है इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। पीसीटी इज लाइन बाय क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स, क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स। लेकिन इनकी एक और खासियत होती है, इन सेल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि मैं अगर एक सेल को इधर ड्रॉ करूं तो उसका ये जो इस तरफ का सरफेस है वो कुछ ऐसा होता है। मतलब अगर मैं इसी सेल को यहां पे ड्रॉ करूं तो ये जो ल्यूमेन की तरफ जहां से फिल्ट्रेट या यूरिन फ्लो होता है उस सरफेस पे उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके बहुत सारे ऐसे माइक्रोविलाय होते हैं। माइक्रोविलाय क्यों होते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़े। ये जो यूरिन है या जो ये जो ब्लड का फिल्ट्रेट है इसमें बहुत सी यूजफुल चीजें होती है। कसं असतं, ब्लड फिल्टर झालं की लगेच ते यूरिन है असं नसतं। या फिल्ट्रेट मध्ये 99% यूजफुल चीजें होती है, वहां पे 99% यूजफुल चीजें होती है जिनको एब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में डालना होता है। नहीं तो इंसानों का ब्लड जो है, मुझे दिवस भरात एक दिन में तकरीबन 180 लीटर, मुझे 3 ड्रम एवढं फिल्टर फॉर्म होते हैं। 3 ड्रम 180 लीटर, पण आपले युरिन किती असतं, 1.5 लीटर अप्रॉक्सिमेटली, 1.5 लिटरच्या अराउंड। म्हणजेच ते उरलेलं जे 178.5 टू 179 लिटर्स है वो सब कुछ वापस एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाला जा रहा है क्योंकि वो यूजफुल है। और ये जो एब्जॉर्प्शन होगा जो कि हम यूरिन फॉर्मेशन के वक्त डिटेल पढ़ेंगे उसमें से 70 से 80% एब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। मतलब पीसीटी इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट। अब इसे एब्जॉर्प्शन करना है और इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन जब होगा या किसी भी चीज का इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन जब करना होता है तो वो चीज और सेल्स ज्यादा देर तक एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए। ये जो पॉइंट है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये आपको मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए फोल्डिंग्स का होना, सरफेस एरिया वाढ़ाने फोल्ड्स पड़ने, हा जो कॉन्सेप्ट है हा डायजेशन के वेला येईल। हा कॉन्सेप्ट ब्रेन मध्ये पण असणार है कि सरफेस एरिया वाढ़ाने गायरा आणि सल्के असतात। हा कॉन्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रियाचा इनर मेम्ब्रेन जो असतो जिथे क्रिस्टी असतात तिथे पण आहे। हा कॉन्सेप्ट बऱ्याच ठिकाणी आहे, सरफेस एरिया वाढवण्यासाठी फोल्ड्स पडलेले असतात। तो ये जो पीसीटी के सेल्स होते हैं, इन पीसीटी के सेल्स में ये ऐसे 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 क्या होते हैं, माइक्रोविलाय होते हैं। इनको माइक्रो माइक्रो क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक है, विलाय यानी कि प्रोजेक्शंस। ओके दीज आर माइक्रोस्कोपिक, दैट्स व्हाई माइक्रो और विलाय यानी प्रोजेक्शन। तो ये माइक्रो विलाय होते हैं जिसकी वजह से ये जो सरफेस है ये सरफेस ब्रश के बॉर्डर की तरह अपीयर हो रहा है। द सरफेस अपीयर्स लाइक अ ब्रश बॉर्डर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो विलाय। माइक्रो विलाय के प्रेजेंस की वजह से वो ब्रश के बॉर्डर की तरह अपीयर हो रहा है। ओके देन दिक्कत कुछ जास्त कॉन्सन्ट्रेट झालंय का, मी तर आलोय 2 दिवस फ्रेश होऊन, तसं तुम्ही फ्रेशच झाले असणार, लेक्चर बघितले मागचे, जास्त कॉन्सन्ट्रेट झालंय, डोक्याला हेवी होत आहे नाही? ओके बाकीचे काय समाधी अवस्थेत गेले की काय? पट 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 कमेंट मध्ये अनिरुद्ध आम्हाला फ्रेश कराना सर एखादी स्टोरी। बाबा स्टोरी काय असते अनिरुद्ध, स्टोरी बनवायला पाहिजे माणसानं, तुझ्या स्टोरी सांगायला पाहिजे। तू असं काहीतरी अचीव करायला पाहिजे की पुढच्या 10 बॅचेसला मी सांगेल की बाबा अनिरुद्ध नावाचा एक स्टुडंट होता, सुरुवातीला कसा होता नंतर काय नसतं रे जोक वगैरे, जोक तर आमचाच झाला काल। म्हणजे
हाइपोथेटिकल नहीं, रियल स्टोरी, रियल जोक असायक. मी तुम्हाला म्हटलं ना, मी त्या जंगलच्या सफारीवर गेलो होतो. सफारी तिथं तिथं व्याघ्र प्रकल्प आहे. मग तिथं असं आहे की बाबा वाघ आहेत त्या जंगलामध्ये. मग आम्हाला सांगितलं गेलं की वाघ दिसू शकतो, दिसू शकतो. मग आम्ही गेलो त्या जंगलामध्ये, आम्ही 2 अडीच 3 तास फिरलो आणि आम्हाला काहीच नाही दिसलं. वाघ तर सोडा, जे जोक आमचाच झालाय, तुम्हाला काय जोक सांगणार. 3 तास तिथे फिरलो. तिथं फक्त एक हरणी की काळवीट टाइप काहीतरी, हरिणच होतं वाटतं ते, त्या टाइप काहीतरी दिसलं. बाकी 3 तास आम्ही फक्त प्लांट्स बघितले, एक पण ॲनिमल था. बाकीचं तिथं फुलपाखरं होते थोडेफार नंतर, पण आम्ही एवढ्या यानं की बाबा तिथं काय होतं, त्या जंगलाच्या सुरुवातीला एकदम व्याघ्र प्रकल्प असे पोस्टर्स हे ते लागलेलं होतं. म्हटलं वाघ दिसेल एखादा चुकून हुकून. काय जोक सांगतो तुला, असा जोक होतो माणसाचा. वर दे मोसिन, वाघाने भो करायला पाहिजे होतं म्हणे तुम्हाला. अरे कुठं फेडशील रे पाप हे. अनिरुद्धचं म्हणणं आहे सर, ते हे रे फॉरेस्ट, ते आपलं काय नाव त्याचं, चिखलदरा फॉरेस्ट, चिखलदऱ्याचं विदर्भात आहे. सो अनिरुद्ध म्हणतो सर, ऑक्टोबर संपला आज आणि आजपासून 6 महिने राहिले. बरोबर, 6 महिने राहिलेत. आणि आणखी पोरांनो, तुमचा पीसीबीचा शेड्यूल रेडी आहे. या वेळेला थोडंसं लवकर, मागच्या वेळेला जी कंडक्ट केली होती ना आपण, त्याच्यापेक्षा लवकर कंडक्ट होईल एक्झाम ज्या आहेत पीसीबीच्या आपल्या. तर शेड्यूल तुमचा रेडी होतोय, मोस्टली डिसेंबरपासून पीसीबीच्या टेस्ट सुरू होऊन जातील तुमच्या. चला, तर त्याचं म्हणणं आहे की 6 महिने राहिले, लक्षात ठेवा. फार काही प्रेशराइज होऊ नका, काही काय नाही आहे. सगळ्या जगाला तुमच्या सोबत, जेवढे कॉम्पिटिटर्स आहेत त्यांना एवढाच वेळ आहे. तर म्हणजे तुमच्या सोबत नाही होत आहे, सगळ्यांसोबत हेच होत आहे. आणि असं जर झालं असतं सपोज की रिपीट करायचंय, दिवाळीपर्यंत रिपीट केलंय आणि एखाद्याचा सपोज ऍक्सिडेंट झाला आणि त्याचे 2 अडीच 3 महिने त्या याच्यामध्ये गेलेत, हॉस्पिटलमध्ये गेले, 3 महिने सपोज गेले, तर त्या व्यक्तीचं तर हेच होईल ना काय. त्याचे फक्त पर्सनली त्याला 6 महिने मिळतात, बाकी जगासमोर 11-12 महिने असतात. तर त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी काहीच विचारात नाही घ्यायच्या, ज्या सगळ्यांसाठी कॉमन आहेत तेच जर आपल्या सोबत होत आहे तर त्याच्यामुळं सगळ्यांचाच जेवढा काय तो वेळ कमी आहे तो सगळ्यांनाच कमी आहे. सो त्याच्यामुळं तुम्हाला काही प्रॉब्लम मला नाही वाटत की यायला पाहिजे, असायला पाहिजे. लक्षात ठेवा, प्रचंड मेहनत करणे आणि उलट एक पॉझिटिव्हली घेणार आहे तुम्ही, की तुम्हाला फक्त 6 महिने अभ्यास करायचा जीव तोडून, फक्त 6 महिने असे निघून जातील 6 महिने. आणि राहिला प्रश्न तुम्हाला आता मंडेपासून अजून थोडंसं जास्त प्रॉपर ऑर्गनाइज्ड मिळेल इथं आपलं कंटेंट जे ते. सो म्हणजे मी आता अशा प्लॅन मध्ये आहे की लेक्चर स्टडी बायो संपलं, डायरेक्ट डीपीपीवर शिफ्ट व्हायचं. म्हणजे हा 1.5 ते 2 तास संपलं की एनसीईआरटी सहित मंडेपासून लेक्चर्स असे असणार आहेत आपले, की तुमचा 1.5 ते 2 तास म्हणजे बायोचा स्टडी सहित वेळ असेल, इतकं ते वेल ऑर्गनाइज लेक्चर्स डिझाईन करतोय मी. त्यानंतर डीपीपी आणि फक्त रिव्हिजन रिव्हिजन रिव्हिजन. ओके, पण मला आणि त्यानं तो एक पॉइंट चांगला मांडलाय, काय माहिती का, सगळ्यांनी याची जाणीव ठेवा बरं का. तुम्हाला असं वाटतंय की रिपीट सुरू होत आहे, अजून 2 महिन्यानंतर ते संपण्याकडे जाईल. ओके, सो आणि तुम्ही जर या भ्रमात राहत असाल की नीट पोस्टपॉन होईल का वगैरे, मला नाही वाटत पर्सनली, कारण आता सगळ्या गोष्टी ऑलमोस्ट सुरूच झालेल्या आहेत. मागच्या वर्षीची नीटही कंडक्ट झालेली, त्याच्यामुळे तुमची नीट वेळेवरच व्हायला पाहिजे किंवा होण्याचे चान्सेस आहे, किंवा जे काय होईल ते तुम्ही तेच धरून चाला की नीट जी ती मे मध्येच असेल. ओके, अजून किती ऑर्गनाइज पाहिजे ते कळेल ना तुला, मंडेला अजून किती ऑर्गनाइज असू शकतं. जर अगर हम कह रहे हैं कि इससे ऑर्गनाइज हो सकता है तो होने ही वाला है वो, और हो ही सकता है. तो देखो भाई, ये जो है ये पोडोसाइट्स है, दिस आर दी पोडोसाइट्स. इसका अब देखो, कोई भी चीज सपोज आता इथून लिक्विड पाठवलं आपण, ते सरकन असं निघून जाईल, पण इकडून जर फिल्ट्रेट फ्लो होत आहे,
या कोई भी चीज फ्लो हो रही, तो उसको ऐसे जाके ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे जाके ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे जाके ऐसे आना पड़ेगा, और बाद में आगे जाएगा। मतलब सेल का और उसका कॉन्टेक्ट ज्यादा देर तक रहेगा, ज्यादा सरफेस एरिया के कॉन्टेक्ट में वो फ्लूड आएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब प्लेन सर्फेस से फोल्डेड सर्फेस कई ज्यादा सरफेस एरिया अफोर्ड करता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन ज्यादा प्रॉपर होता है, ज्यादा एफिशिएंट होता है। साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सी चीजों को एक्टिवली एटीपीज एक्सपेंड करके एब्जॉर्ब करना होता है। तो इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल कौन है यूकैरियोटिक सेल में? माइटोकॉन्ड्रिया। तो दूसरा पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो नोट्स में है, ये सारी चीजें सिर्फ आपको यहां पर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि जो दूसरा पॉइंट, मतलब पहला क्या है कि इनके पास माइक्रोविलाय होते हैं, माइक्रोविलाय होते हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़े और उससे ज्यादा से ज्यादा जो चीजें एब्जॉर्ब करने जैसी है वो वापस ब्लड में डालने के लिए एब्जॉर्ब हो जाए, यूरिन या इस फिल्ट्रेट से। दूसरा, एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी चाहिए, एंड द पावर हाउस ऑफ द सेल इज द माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए क्यूबॉइडल इपिथीलियम में ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर होते हैं। उसके बाद ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज यहां से लेके यहां तक, तो इस यू शेप स्ट्रक्चर को कहा जाता है हेनलेस लूप। क्या कहा जाता है? हेनलेस लूप। तो ये हेनलेस लूप, यहां से फिल्ट्रेट ब्लड से निकला हुआ वो जो फ्लूड है वो यहां से नीचे जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब। और ये जो ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर हो रहा है, जा रहा है फ्लूइड, इसलिए असेंड हो रहा है, इसलिए असेंडिंग लिंब। दिस इज द असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और क्वेश्चन किस पे फ्रेम हुआ है? इस टर्न पे। ये जो टर्न है भाइयों और बहनों, इसे कहा जाता है हेयर पिन टर्न। दिस इज द हेयर पिन टर्न। पूर्वी ज्या हेयर पिन यायच्या अशा यू आकाराच्या, त्या हेअरपिन सारखा हा टर्न असल्यामुळे याला हेअरपिन टर्न म्हटलं जातं। ओके, सो ये क्या है? डिसेंडिंग लिम है या असेंडिंग लिम है? दिस इज द हेअरपिन टर्न। ये हेअरपिन टर्न है, यहां से फ्लूड ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। अब हेनलेस लूप का मेन रोल क्या है? हेनलेस लूप का इंपॉर्ट, मतलब एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है चीजों का, एब्जॉर्प्शन की मेन साइट जो है वो पीसीटी है। हेनलेस लूप का, हेनलेस लूप में उस फिल्ट्रेट से बहुत कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता। एब्जॉर्प्शन मतलब द रोल ऑफ हेनलेस लूप इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंपॉर्टेंट या यूजफुल थिंग्स इज नॉट मच सिग्निफिकेंट, बट इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन और वाटर कंजर्वेशन। हेनलेस लूप का रोल यूरिन या फिर वाटर कंजर्वेशन में है, यूरिन से ज्यादा पानी निकालने में हेनलेस लूप का रोल है। और ये जो पॉइंट है, मतलब इसी पर बेस्ड ये पूछा जाता है कि लूप ऑफ हेनले ऑफ कैमल इज लॉन्ग होता है, काफी लंबा लूप ऑफ हेनले होता है, क्योंकि कैमल में वाटर कंजर्व करने की काफी जरूरत होती है, इसलिए लॉन्ग लूप ऑफ हेनले इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैमल्स। ओके, तो पॉइंट बात ये है यहाँ पे कि हेनलेस लूप का रोल एब्जॉर्प्शन में उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन वो वाटर कंजर्वेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये लास्ट जो पॉइंट है, डिस्टल कॉनोलेटेड ट्यूबुल। ये डिस्टल कॉनोलेटेड ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी, यानी कि डीसीटी, इसमें भी यही सेल है, क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स। लेकिन 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 सेल्स में डिफरेंस क्या है? अगर मैं पीसीटी की क्यूबॉइडल सेल निकालू तो उसकी जो ल्यूमेन की तरफ की, यानी कि इस साइड की जो सरफेस है, वो कुछ इस तरह से ही उसमें माइक्रोविला और ब्रश बॉर्डर मिलते हैं। और अगर वही में इस डीसीटी का क्यूबॉइडल इपिथिलियम ड्रॉ करूं तो वहां पे ये सेल ऐसा मिलता है। मतलब सेल्स दोनों तरफ भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, पीसीटी और डीसीटी में भी, लेकिन हाईलाइट कर लो, गांठ बांध लो इस पॉइंट की कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम होने के बावजूद भी उसमें माइक्रोविलाय और ब्रश बॉर्डर नहीं होते हैं। ओके, माइक्रोविलाय आणि ब्रश बॉर्डर तिथे नसतात। कुठे नसतात? तर डीसीटी मध्ये नसतात। डीसीटी का जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वहां पर माइक्रोविलाय और ब्रश बॉर्डर नहीं है। तीन वेळा सांगतोय, ते हिंदी मालिकेत जसं नसतं ना तीन वेळा, तसं सांगतोय की नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या क्या क्या? माइक्रोविला और ब्रश बॉर्डर, माइक्रोविला और ब्रश बॉर्डर। ओके, कुठे आहे? पीसीटी, पीसीटी, पीसीटी। ओके, तर त्याच्यामुळे
पीसीटी माइक्रोविला एंड ब्रश पाउडर। रीजन ओके, मुझे रीजन जो है इसका, वो रीजन बहुत ही सिंपल है। क्या रीजन है कि इधर एब्जॉर्प्शन करना है, 70-80% जो चीजें यूजफुल है वो पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो फिल्ट्रेट जब यहां तक आता है तो खास कुछ एब्जॉर्ब करने लायक बचता नहीं है। ओके, इसलिए डीसीटी में एब्जॉर्प्शन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उतना होता है वहां पर एब्जॉर्प्शन, लेकिन उतना नहीं होता जितना पीसीटी में होता है। इसलिए उस वहां पे माइक्रोविला यानी ब्रश बॉर्डर नस्ता नस्ता तिथे माइक्रोविला यानी ब्रश ब्रश बॉर्डर अनिरुद्ध म्हणतोय, समजलं किरण। ओके 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 प्रसाद, कळालं। ओके 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 तर नाही रे, पीसीटीच्या सिलिएट नाही, मायक्रोविला आणि ब्रश बॉर्डर असतात, सिलिया नसतात तिथे। ओके, सिलियाला काय करायचं तिथे? मग आता हा जो कलेक्टिंग डक्ट आहे, कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, अलग अलग नेफ्रॉन के डीसीटीज ओपन होते हैं उसमें। तो ये बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी ज्वाइन होने के बाद या फिर वो ओपन होने के बाद बनी एक बड़ी ट्यूब है, बड़ा पाइप है वो। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन में ब्लड ला कौन रहा है? एफरेंट आर्टेरियल ला रहा है, और बाहर कौन लेके जा रहा है? इफरेंट आर्टेरियल लेके जा रहा है। यहां से आगे इफरेंट आर्टेरियल का होता क्या है, तो उसके लिए हमें देखना है एक सिंपल डायग्राम कि इफरेंट आर्टेरियल का क्या होगा। ये देखो, ये एफरेंट आर्टेरियल आया जो कि बड़ा है, उसने यहां पर कैपिलरीज दिए और इफरेंट आर्टेरियल यहां से बाहर निकला ब्लड लेके। लेकिन अब ये छोटा है, ये बड़ा है, इसलिए कुछ ब्लड यहां पर एक्यूमुलेट होके वो नीचे फिल्टर हो रहा है जिससे यूरिन बनेगा। बाकी जो है वो यहां से बाहर आने के बाद इफरेंट आर्टेरियल भी बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड होता है, जो कि इस पूरे नेफ्रॉन के पार्ट पर यानी कि रीनल ट्यूबुल पर एक नेटवर्क बनाते हैं। ये जो नेटवर्क यहां पर रेड कलर का दिख रहा है, किसके अराउंड है वो? इस रीनल ट्यूबुल के अराउंड है, क्योंकि रीनल ट्यूबुल पीसीटी से सॉरी बॉमन कैप्सूल से स्टार्ट होकर डीसीटी तक है। मतलब बॉमन कैप्सूल से लेके डीसीटी तक ये रीनल ट्यूबुल है, जिसमें बॉमन कैप्सूल पीसीटी एंडलेस लूप और डीसीटी इतने पार्ट आते हैं। इस पर ये इफरेंट आर्टेरियल के ब्रांचेस क्या दे रहे हैं? वो एक नेटवर्क बना रहे, और इस नेटवर्क को कहा जाता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। हर हर वर्ड का मतलब होता है, ते चुकीचं आहे, चुकीचं आहे म्हणजे ते आपल्याकडे व्हॅलिड नाही आहे। नावात काय आहे? कोणी म्हटलंय? शेक्सपियरनं म्हटलंय। नावात काय आहे आणि खाली कोणाचं नाव लिहिलंय? स्वतःच नाव लिहिलंय। म्हणजे नावात काय म्हणायचं आणि खाली स्वतःच नाव लिहायचं की बाबा? तर त्याच्यामुळे आणि बाकी मला माहित नाही, फिलॉसॉफी मध्ये नाटकांमध्ये, पण इथे म्हणजे कुठे बायोमध्ये नावाला आणि मेडिकल फील्ड मध्ये पण नावाला प्रचंड महत्व आहे। नावातच खूप गोष्टी दडलेल्या असतात। तर देखो भाई, ये है आपका बॉमन कैप्सूल, ये है पीसीटी, ये है हेनलेस लूप, और ये है डीसीटी, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। एफरेंट आर्टेरियोल आया, कौन आला रे? कौन आला? एफरेंट आर्टेरियोल आला आणि त्याने काय दिलं रे? काय दिलं? तर हे ग्लोमेरुलसचं नेटवर्क दिलं। मग ग्लोमेरुलर कॅपिलरी जॉईन झाल्या आणि त्यांनी काय बनवलं रे? काय बनवलं? इफ्रंट आर्टेरियल बनवलं। इफ्रंट आर्टेरियल बाहेर पडून त्यानं काय केलं? तर त्यानं अशा वेगवेगळ्या ब्रांचेस दिल्या कॅपिलरीच्या, आणि या कॅपिलरीच्या ब्रांचेस चं जे नेटवर्क आहे ते नेटवर्क इथे पसरलं, कशावरती? या रिनल ट्यूब्युलवरती। आणि नंतर त्या कॅपिलरी जॉईन होऊन त्यांच्यापासून काय बनतं ते सांगतो। बट ये जो नेटवर्क यहां पे दिख रहा है, ये जो नेटवर्क आपको इस रीनल ट्यूबुल पर दिख रहा है, इस नेटवर्क को क्या कहते हैं? पेरी, पेरी मतलब पेरीफेरल टू। किसके पेरीफेरल या किसके अराउंड है? रीनल ट्यूबुल के, इसलिए ट्यूब्यूलार, इसलिए ट्यूबुलर। पेरी इज फॉर पेरीफेरल, ट्यूबुल के पेरीफेरल, इसलिए ट्यूबुलर। किसका नेटवर्क है? कैपिलरीज का है। जैसे इधर कैपिलरीज, वैसे ये भी कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसलिए कैपिलरी, और नेटवर्क है इसलिए नेटवर्क, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो ये नेटवर्क इस रीनल ट्यूबुल के आसपास फैला हुआ है, जो कि दिया किसने? इफ्रंट आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल ने दिया है। सो
अब देखते हैं ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क ज्वाइन होके क्या बना रहे हैं, तो एक वेन्यूल बनाते हैं, वेन्यूल। ओके, वेन्यूल मतलब एफरेंट आर्टेरियल कैपिलरीज, इफरेंट आर्टेरियल, उसके बाद फिर कैपिलरीज का नेटवर्क, वो ज्वाइन होके एक वेन्यूल बनाते हैं। ऐसे सारे वेन्यूल्स किडनी के ज्वाइन होके रीनल वेन बनाते हैं, जो कि किडनी से ब्लड बाहर लेके जाती है और इंफीरियर वेना कैवा में ओपन होती है, और इंफीरियर वेना कैवा जाकर हार्ट में ओपन होता है। हार्ट से जैसे आउट आया और आउटर ने रीनल आर्टरीज दिए, रीनल आर्टरीज के ब्रांचेस से एफरेंट आर्टेरियल, ये एफरेंट आर्टेरियल से ग्लोमेरुलस आया, ग्लोमेरुलस रिजॉइन होके इफरेंट आर्टेरियल बना, इफरेंट आर्टेरियल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बना, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क ज्वाइन होके ये जो ट्यूब बन रही है वेन्यूल है, वेन्यूल यानी छोटा वेन। ऐसे सारे वेन्यूल्स ज्वाइन होके किडनी का रीनल वेन बनाते हैं, जो किडनी से ब्लड बाहर लेके जाता है, जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, क्योंकि उस ब्लड में से ऑक्सीजन निकाल लिया गया है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया गया है, इसलिए किडनी से बाहर जाने वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। और ये जो नेटवर्क है इसे कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का मतलब फिर से समझा रहा हूँ, पेरिस फॉर पेरिफेरल, क्योंकि इसके अराउंड इसके पेरिफेरल ही है, ट्यूबुलर यानी रीनल ट्यूबुल के है आसपास, इसलिए कैपिलरी, इसलिए कि कैपिलरी का नेटवर्क है, और नेटवर्क है इसलिए नेटवर्क है। ओके, अब ये जो है, देखो डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये बोमस कैप्सूल है, ये एफरेंट आर्टेरियल ब्लड लेके आया, ये इफरेंट आर्टेरियल बाहर आया और उसने यहां पर इसके आसपास क्या दिया, ये नेटवर्क दिया, ये नेटवर्क के कैपिलरी ज्वाइन होके ये जो बन रहा है ये क्या है, वेन्यूल है। ऐसे बहुत सारे वेन्स ज्वाइन होके, वेन्यूल ज्वाइन होके वेन बना देते हैं। मुझे यहां पर जो पॉइंट बोलना है आपको वो ये है, और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि भाई ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में से कुछ कैपिलरीज हिनलेस दुप को पैरेलल होते हैं, सम ऑफ दी कैपिलरीज ऑफ पेरी क्रांतिकारक वाक्य, एकदम महत्त्वाचं कटप्पा वाक्य, मार्क करून ठेवा कटप्पा वाक्य, म्हणजे भल्ला बाहू देवसेना आणि अजून कोण होती ती शिवगामी देवी, याच्यापेक्षाही जास्त महत्त्वाचं वाक्य असतं कटप्पा वाक्य, कारण त्याच्यावर पार्ट टू एवढा जास्त दिवस चर्चेत होता, किसने मार क्यों मारा कटप्पाने बाहुबली को, तो याद रखना वो कटप्पा सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंस होंगे, भल्ला बाहू देवसेना और शिवगामी से। तो ये कटप्पा सेंटेंस क्या है, कि ये जो कैपिलरीज है जिस मतलब पेरिटुबुलर कैपिलरीज के, उसमें से जो कैपिलरीज हिनलेस लूप को पैरेलली रन होंगे उन्हें कहा जाता है वासा रेक्टा। तीन वेला सामने सर का वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। ओके, तो असं एकदम झुप झुप झुप, जसं त्या मालिके सिरियल मध्ये होत नाही का, एकदम मोठा पॉइंट आला काहीतरी हिंदी सिरियल मध्ये, मागून बँड असा वाजतो असं वाटतं आता काय सुनार आहे, तर ते मग त्या वेळेला जे 3 वेळा सांगितलं जातं एकदम काहीतरी महत्वाचं विशेष, तसंच हे 3 वेळा सांगण्यासारखं आहे, काय हा वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, लक्षात ठेवा। ओके, 3 वेळा जो पॉइंट आलाय वासा रेक्टा काय, तो वासा रेक्टा, वासा रेक्टा या पैरेलल कैपिलरीज है, वासा रेक्टा या पैरेलल कैपिलरीज है, लक्षात ठेवा। अब यहां पे या फिर ये डायग्राम एक बार देख लेते, ये जो पैरेलली रन हो रहे ये कौन है, वासा रेक्टा है, क्यों, क्या काम है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये यूरिन फॉर्मेशन में पता चल जाएगा, अभी के लिए वासा रेक्टा याद रखो। ओके, वासा रेक्टा इस पेरिटुबुलर कैपिलरी की वो कैपिलरीज है जो हिनलेस लूप को पैरेलल होते हैं, पैरेलली रन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चार्ट है, जिसमें से कुछ चीजें एनसीईआरटी में है, कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं है। हमारे बॉडी में जो नेफ्रॉन होते हैं वो नेफ्रॉन्स दो टाइप के होते हैं, नेफ्रॉन्स इन आवर बॉडी आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के वो नेफ्रॉन होते हैं, उसमें से एक टाइप है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, एक का नाम है कॉर्टिकल, और दूसरा टाइप है जक्स्टा। बघा हा जक्स्टा शब्द 2 वेळा येणार आहे तुम्हाला, तो जक्स्टा जब भी आएगा तो जक्स्टा मीन्स नियर टू समथिंग और क्लोज टू समथिंग, जक्स्टा प्रीफिक्स है मतलब वो चीज किसी दूसरे चीज के नजदीक है, किसी दूसरे चीज के पास है, तो जक्स्टा यानी क्लोज टू समथिंग एंड नियर टू समथिंग, किसके, मेडुला के, तो मेडुलरी मतलब ये नेफ्रॉन जो है इनका एक हिस्सा होता है, या ये मेडुला के नजदीक होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और दूसरा क्या है कॉर्टिकल, यानी ये कॉर्टेक्स में होते हैं। फिर से एक बार किडनी के हिस्टोलॉजिकल डायग्राम की तरफ जाते हैं, कि किडनी जो है
वो हमें पता है दो हिस्सों में बटा है। ये किडनी है, उसमें जहां पर पिरामिड होगी इजिप्ट का फील जहां पे आएगा वो क्या है, मेडुला है, उसके बाहर वाला पोर्शन क्या है, कॉर्टेक्स है। अब मैं यहाँ पे एक ही डायग्राम ड्रॉ करूंगा, मतलब दो नेफ्रॉन ड्रॉ करूंगा इस एक डायग्राम में, उसमें से आपको आप ही को समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉर्टिकल और कौन सा जक्स्ट्रा मेडुलरी है। ये उसका मालपीजियन बॉडी है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, और ये एक नेफ्रॉन हुआ। पिरामिड दूसरा ड्रॉ कर लेंगे डायग्राम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ये दूसरा पिरामिड है। यहां पर मैंने कुछ ऐसा नेफ्रॉन अगर ड्रॉ कर दिया, ये एफरेंट आर्टेरियल, ये इफरेंट आर्टेरियल, ये ग्लोमेरुलस, ये क्या है, दिस इज द बोमस कैप्सूल, पीसीटी। जल्दी से कमेंट कर दो कि इसमें से आपको अभी कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि हमारे बॉडी में कुछ नेफ्रॉन कॉर्टिकल होते हैं, कुछ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलरी होते हैं। तो ये जो ग्रे कलर का है इसे कॉर्टिकल कहोगे या जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलरी, जक्स्ट्रा मेडुलरी, या फिर यू कमेंट कर दो कि इसमें से कॉर्टिकल कौन सा, जक्स्ट्रा मेडुलरी कौन सा है, एक ग्रे है, येलो है, कौन सा कॉर्टिकल है और कौन सा जक्स्ट्रा मेडुलरी है। फर्स्ट जक्स्ट्रा मेडुलरी यानी नीचे वाला ग्रे वाला। अब्रार उस पॉइंट पर बाद में आएंगे, अभी फिलहाल जो चल रहा है उस पर गौर करो, वो यूरिन फॉर्मेशन का पॉइंट है। यस, फर्स्ट कॉर्टिकल, मतलब हमें कुछ पता नहीं है फिर भी हम नाम पे से इतना समझ रहे हैं कि ये इसको कहना है तो इसको ही कॉर्टिकल कहेंगे और इसको जक्स्ट्रा मेडुलरी कहेंगे, क्योंकि इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो कॉर्टेक्स में और इसका ज्यादातर हिस्सा, हाँ लूप ऑफ हेनले और थोड़ा लंबा हो सकता है यहाँ पर, मतलब यहां तक आ सकता है लेकिन उससे ज्यादा डीप नहीं, मतलब हाफ वे जा सकता है लेकिन उससे ज्यादा डीप नहीं जा सकता है। तो हम अब एक और डायग्राम यहां पर देखेंगे, ये देखो ये आपका किडनी है, किडनी में ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, ओके। तो ये एक नेफ्रॉन है जिसका यहां पर मालपीजियन बॉडी है, मतलब कॉर्टेक्स के बाहर की तरफ, और ये पीसीटी, ये हेनले लूप का डिसेंडिंग लिम, असेंडिंग लिम, ये डीसीटी। तो जिसका ये मालपीजियन बॉडी कॉर्टेक्स के आउटर साइड में होता है, कॉर्टेक्स के आउटर साइड में होता है, उसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, और इस नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले मेडुला में ज्यादा डीप नहीं जाता है। जिस नेफ्रॉन का मालपीजियन बॉडी यानी ये वाला हिस्सा कॉर्टेक्स और मेडुला की जंक्शन पे है, कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे है, और जिसका हेनलेज लूप डीप रन करता है, डीप इनटू द मेडुला जो रन करता है उसे कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। दो डिफरेंसेस बोल रहा हूं, बाकी चार्ट बनाते समय बोलूंगा कि जिसका मालपीजियन बॉडी, अब ये हिस्सा कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, ओके। जिसका मालपीजियन बॉडी कॉर्टेक्स के बाहर की साइड में है, या फिर मैं पूरा किडनी ड्रॉ करके बता दूंगा आप लोगों को, जस्ट अ मोमेंट। देखो अगर हमने इस डायग्राम को मैग्निफाई कर दिया तो देखो भाई ये पिरामिड है, तो जिस नेफ्रॉन का मालपीजियन बॉडी कॉर्टेक्स के आउटर साइड में है और जिसका हेनलेज लूप उतना डीप नहीं जाता है मेडुला में, वो कॉर्टिकल है। जिसका मालपीजियन बॉडी कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे है, मतलब जहां कॉर्टेक्स खत्म हो रहा है मेडुला शुरू हो रहा है उस जंक्शन पे है, और जिसका हेनलेज लूप काफी डीप जाता है मेडुला में, उसे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। तो अब बाकी पॉइंट्स हम चार्ट देखते समय कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किसे कॉर्टिकल कहना और किसे जक्स्ट्रा मेडुलरी कहना है, ओके। तो कॉर्टिकल जो होते हैं, कॉर्टिकल में मालपीजियन बॉडी MB, मालपीजियन बॉडी ऑन आउटर साइड ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाहर वाली साइड में होते हैं, एंड हियर दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर होते हैं मालपीजियन बॉडी। पॉइंट सेकेंड, हेनलेज लूप जो है वो इसका डीप रन नहीं करता है, यहां पर ये डीप रन करेगा, मतलब हेनलेज लूप डजंट रन डीप इनटू द मेडुला, व्हाइल हियर इट गोज डीप इनटू द मेडुला, हेनलेज लूप गोज डीप इनटू द मेडुला। अब जो पॉइंट हमें पता नहीं है वो एक बार पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी में जहां पर नेफ्रॉन के डिस्क्रिप्शन का लास्ट लाइन है, वहां पर आपको एक डिस्क्रिप्शन में लाइन मिल जाएगा कि
क्या लाइन है वो? देखो भाई, हमने यहां से शुरू किया, आपको इसी में समझ में आ जाएगा जब पढ़ेंगे हम इसे। ये देखो, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये इफरेंट आर्टेरियल बाहर निकला और इफरेंट आर्टेरियल ने पेरिटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क दिया। इस पेरिटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क में जो कैपिलरीज पैरेलल है उन्हें वासा रेक्टा कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? वासा रेक्टा कहा जाता है। और अगर आप ये डायग्राम देखो, दिस इज द माल्पिजियन बॉडी। ये माल्पिजियन बॉडी है, इसको रीनल कार्पुस्कल कहा जाता है। जो नहीं दिया है वो क्या है? पिग्मेलियन कार्पुस्कल है। और एक पॉइंट यहां पर मैं कह रहा था कि ये अगला बिट यूरिन फॉर्मेशन शुरू होने से पहले जो लास्ट लाइन है कि वासा रेक्टा इज अब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एक तो रिड्यूस्ड है या है ही नहीं, अब्सेंट है, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हिनलेज लूप उतना ज्यादा डीपली रन नहीं करता है, उतना ज्यादा लंबा भी नहीं होता है कि जिससे पैरेलली रन किया जा सके। तो ये दूसरा पॉइंट है कि हिनलेज लूप डज नॉट रन डीप इनटू द मेडुला, इट गोज डीप इनटू द मेडुला। वासा रेक्टा का जो पॉइंट आपको याद रखना है कि वासा रेक्टा क्या पढ़ना है यहाँ पे? वासा रेक्टा आर अब्सेंट। वासा रेक्टा वो कैपिलरीज होते हैं जो हिनलेज लूप को पैरेलली रन करते हैं और रिड्यूस, और यहाँ पर वासा रेक्टा प्रेजेंट होते हैं। वासा रेक्टा प्रेजेंट होते हैं। हमारे बॉडी में जितने नेफ्रॉन है उसमें से 85% कॉर्टिकल है, 85% कॉर्टिकल है, 15% जो है वो जक्स्टा मेडुलरी है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कब कब काम करते हैं? तो जब हमारी बॉडी नॉर्मल होती है, जब हमें वाटर स्ट्रेस नहीं होता है, जब हमारी बॉडी वेल हाइड्रेटेड होती है, मतलब हमारे बॉडी में जब भी पानी की कमी नहीं होती है, जेव्हापन आपल्याला पुष्कळ पाणी असतं, पाणी कंजर्व करण्याची गरज नसते, तेव्हा कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करतात। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन तब काम करते जब आपका यूरिन येलो कलर का फॉर्म होता है। यूरिन का येलो कलर क्यों अपीयर होता है? क्योंकि उसमें पानी की कमी होती है और उस वक्त वाटर कंजर्वेशन की जरूरत की वजह से ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन काम करते हैं। उनका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है एंड एंड दे उनका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होने की वजह से होता क्या है कि वो वाटर कंजर्व करते हैं। तो पानी की किल्लत जब होती है, जब पानी की कमी होती है, जब आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग से वाटर लॉस करते हैं, जब आपको ओमेटिंग होती है, जब आपको डायरिया होता है, या किसी भी वजह से आप पानी लॉस्ट करते हो और वापस उसको रिप्लेस नहीं कर पाते हो, पानी पी नहीं पाते हो, तब आपके बॉडी में ये काम कर रहे होते हैं। या आसान भाषा में, जब भी आपकी यूरिन का कलर येलो कलर दिखाई दे, जब वो वाटर ही ना हो, तब ये नेफ्रॉन काम करते हैं। दे वर्क ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस वाइल दे वर्क ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन। 85% एंड 15% 15% ये है। ओके, अब पढ़ लेते हैं एक बार एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। हमने क्या पढ़ा? तो हमने यूरिन फॉर्मेशन ला सुरुवात करण्यापूर्वी एनसीईआरटीचं टेक्स्टबुक मध्ये काय दिलंय, फार छोटं इथं कंटेंट आहे, त्याच्यातले खूप पॉइंट्स जे आहेत एनसीईआरटीच्या बाहेरचे लक्षात ठेवायचे तुम्हाला। बघा, इच किडनी हॅज 1 मिलियन नेफ्रॉन। हर किडनी में कितने नेफ्रॉन है? 1 मिलियन। तो सवाल अगर ये आ जाए कि हमारे बॉडी में कितने नेफ्रॉन है, तो आंसर होगा 2 मिलियन, क्योंकि दो किडनी होते हैं यूजुअली। सो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स, जिसको यूरिनिफेरस ट्यूबल भी कहा जाता है, विच आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शनल यूनिट होते हैं, मतलब किडनी का जो फंक्शन है वो दरअसल बेसिक लेवल पे कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है। ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स, कौन से? ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूबल। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म बाय एफरेंट आर्टेरियल। एफरेंट आर्टेरियल लेक आके जो टफ्ट फॉर्म कर रहा है कैपिलरीज का, वो ग्लोमेरुलस है। अ फाइन ब्रांच ऑफ एफरेंट आर्टेरियल, किसकी ब्रांच है? इट इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय द इफरेंट आर्टेरियल। इफरेंट आर्टेरियल जो है वो ग्लोमेरुलस से ब्लड अवे कैरी करता है। एक और पॉइंट जो आप ध्यान नहीं देते हो, रीनल आर्टरी का ल्यूमेन छोटा है रीनल वेन से, मतलब यहां पर रीनल वेन बड़ा है, रीनल आर्टरी छोटा है, ध्यान देना। क्योंकि जब अगर एग्जाम में डायग्राम आया और वो अगर ब्लैक एंड व्हाइट रहा, तो यहाँ पे तो कलर है, रेड कलर आर्टरी के लिए होता है, ब्लूश कलर वेन के लिए होता है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आती पहचानने में। लेकिन अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट में डायग्राम आ जाए, तो आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा आर्टरी कौन सा वेन है? तो ये जो रेड कलर का है ये आर्टरी, और ब्लू कलर सॉरी ये जो नैरो ल्यूमेन वाला है वो आर्टरी, और बड़े ल्यूमेन वाला बिगर ल्यूमेन वाला वेन है। ओके, द रीनल ट्यूबुल बिगिंस विद, जो रीनल ट्यूबुल है वो डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बोमर्स कैप्सूल। बोमर्स कैप्सूल, ओके, व्हिच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, यानी कि उसने ग्लोमेरुलस को एनक्लोज किया है, उसके अंदर ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमर्स कैप्सूल इज कॉल्ड द माल्पिजियन बॉडी और रीनल कार्पस्कल
और जो यहां पर नहीं है पिग्मालियन कॉर्पस्कल, द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी। उसके बाद ये डायग्राम है, डायग्राम में आपको सारी चीजें पता है, बॉमस कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेस लूप, ये पेरिटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट जिसमें बाकी नेफ्रॉन की डीसीटीज ओपन हो रहे हैं। ओके, आपकी बुक आपके सामने होनी चाहिए, पॉइंट्स हाईलाइट कर लेने चाहिए आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियल बड़ा दिख रहा है, ये इफरेंट आर्टेरियल छोटा दिख रहा है, बोमस कैप्सूल का आउटर लेयर पराइटल है, अंदर वाला विसरल है, एंड दिस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ओके, तो अ हेयरपिन शेप्ड या यू जैसा जो हेनलेस लूप होता है इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन व्हिच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिंब। द असेंडिंग लिंब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन जिसका नाम है डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। द डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट मेनी ऑफ व्हिच कॉन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस। लेकिन हमें पता है कि डायरेक्टली रीनल पेल्विस में ओपन होता है क्या? नहीं, कलेक्टिंग डक्ट जॉइंट्स टू फॉर्म डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी जॉइंट्स टू फॉर्म माइनर कैलिक्स, उसके बाद क्या होता है मेजर कैलिक्स, और उसके बाद होता है कौन? रीनल पेल्विस। तो डायरेक्शन याद रखना यूरिन फ्लो की। देन मालपिजियन कार्पस्कल्स पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। भाई ये तो हमने पहले किडनी की हिस्टोलॉजी के वक्त ही पढ़ लिया था। व्हाइल द हेनलेस लूप डीप्स इनटू द मेडुला इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला। These nephrons are called as juxtamedullary nephron. आगे बढ़ते हैं। The efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries or peritubular capillary network. A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's lobe, जो कि U shape होता है, known as vasa recta. मतलब वो vessels भी U shape होते हैं और Henle's lobe भी U shape होता है, तो उसे vasa recta कहा जाता है। Vasa recta are absent or highly reduced in the Henle's lobe. अब यहाँ पे कौन से point नहीं है? पहला पॉइंट है कि कॉर्टिकल 85% होते हैं, जक्स्टामेडुलरी 15% होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि कॉर्टिकल नॉर्मल वाटर स्टेटस की कंडीशन में काम करते हैं और जक्स्टामेडुलरी वाटर स्ट्रेस में काम करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखो, सवाल दो सवाल है जो एक दूसरे से रिलेटेड है के विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड वेसल हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया एंड विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड वेसल हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। किस ब्लड वेसल में सबसे ज्यादा यूरिया होता है, किस ब्लड वेसल में सबसे कम यूरिया होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दो लेक्चर पीछे जाना होगा। हमने जब अमोनिया से यूरिया और यूरिया से यूरिक एसिड का जो साइकिल या टेबल देखा था, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म का, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो लिवर होता है, लिवर में यूरिया बनता है, लिवर में क्या बन रहा है? यूरिया बन रहा है। तो जो ब्लड वेसल लिवर से बाहर जाएगी ब्लड लेके, उसमें बहुत सारा यूरिया होगा, ढेर सारा यूरिया होगा उसमें, इसलिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल और इन द वेन व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द लिवर, और उस वेन का नाम है हिपैटिक वेन। क्या नाम है उसका? हिपैटिक वेन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। अब ये ब्लड जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये गया कहां? आपके 2 BHK के हार्ट में, यहां पर गया, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था हार्ट में। किस अलग अलग मतलब ये ब्लड इंफीरियर वेना कावा में ओपन होगा और इंफीरियर वेना कावा से यहाँ आ जाएगा। आपको उसकी दिक्कत या उसके बारे में अभी नहीं सोचना है क्योंकि वो बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन का पॉइंट है। यहाँ पे मुझे ये बताना है अल्टीमेटली बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो जाता कहाँ पे? हार्ट में। तो लीवर का भी हार्ट में ही गया, हार्ट से वो कहाँ जाएगा? या एट्रियम है, एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा लंग्स में। क्यों? क्योंकि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, उसमें ऑक्सीजन डालना जरूरी है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना जरूरी है। लंग्स में ऑक्सीजनेट हुआ ब्लड, ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ है लेकिन उसमें यूरिया अभी भी है जो कि लिवर में बना। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से ऑक्सीजनेट हुआ और ऑक्सीजनेट होने के बाद कहां पे गया? इस लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में, आउटा में। और अब मैंने बताया आप लोगों को कि आउटा सारे ऑर्गन्स को ब्रांचेस देता है, अलग अलग ऑर्गन्स को क्या दे रहा है? वो ब्रांचेस दे रहा है। ओके, और ये ऐसी ही दो ब्रांचेस वो किडनीज को भी देता है जिसको हम रीनल आर्टरीज कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स लेके अंदर गया लेकिन उसमें भी यूरिया है, और रीनल आर्टरी से आया हुआ ब्लड नेफ्रॉन जो है भाइयों, ये नेफ्रॉन क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं।
नेफ्रॉन के एफरेंट आर्टेरियल से फिल्टर होता है, और फिल्ट्रेशन के दौरान उसमें से यूरिया हटा दिया जाता है जो हम यूरिन से बाहर फेंकते हैं। फिर ये सारा फिल्टर्ड ब्लड अल्टीमेटली किडनी से बाहर किसके थ्रू आता है? रीनल वेन के थ्रू। रीनल वेन में ब्लड भले डीऑक्सीजनेटेड हो लेकिन उसमें यूरिया सबसे कम होता है क्योंकि उसमें किडनी में फिल्टर हुआ ब्लड होता है। तो पॉइंट दो याद रखने हैं, दो एमसीक्यूज है। पहला एमसीक्यू क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन हिपेटिक वेन जो लिवर से बाहर जा रहा है, एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन रीनल वेन जो किडनी से बाहर आ रहा है। ओके ये हो गए दोनों एमसीक्यू। कुछ डाउट हो? पिगमेंट म्हणजे कलरफुल सबस्टेंसेस जे वेगवेगळ्या गोष्टींना कलर देतात त्याला पिगमेंट म्हणतात। नाही असं काही नसतं, कुंभार जे मल्टीपल म्हणजे जास्त असू शकतात तिथे। तो पॉइंट इज दॅट अब यहां पर कंप्लीट होता है क्या स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, टाइप ऑफ नेफ्रॉन। कल हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कल लेक्चर है, 360 मार्क्स का टेस्ट भी है, आज डीपीपी भी है। ओके त्याच्यामुळे आता मेसेज करू नका सर हे आहे की ते आहे की नाही आहे। ओके चलो बाय बाय टाटा।